हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप अपने फ़ोन का वर्चुअल रैम जो होता है वो कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, ताकि हम इसी टाइप से आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले अपना फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सेटिंग ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम चल जाते हैं स्क्रॉल करके यहाँ बैटरी एंड डिवाइस केयर पे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे मेरा जो है, आप स्पेस देखिएगा। और बहुत ही अच्छा एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा अभी 65% यूज है। ठीक है, आप यहाँ से डुप्लीकेट फाइल और बहुत सारा चीज़ है जो लार्ज नहीं इस्तेमाल करते, उसे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें आवश्यकता नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। चलिए, हम बैक चल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप रैम मेमोरी इस पर आपको चेकिंग करके यहाँ पे आप क्लीन नाउ कर लेना है। ठीक है, ये क्लीन ना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम प्लस। ठीक है, रैम प्लस देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 GB एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस किया हुआ है, रैम प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो इस पर आप यहाँ से 8 GB तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ नोटिस करना है। यहाँ पे आप जैसे मेरा अभी स्पेस 83.7 GB भरा हुआ है। ठीक है, आप इस पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, वहाँ पर हम दिखाएंगे। जैसे ही आप, तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे रैम प्लस कीजिएगा तो मेमोरी आपका उतना फुल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं हमको चलिए 6 GB हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप 6 GB बढ़ाइएगा तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट मांगेगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रीस्टार्ट फ़ोन मांग रहा है। ठीक है, तो हम चलिए रीस्टार्ट कर देते हैं फ़ोन को। तो दोस्तों, हम फिर से सेटिंग खोल लेते हैं। ठीक है, सेटिंग खोलने के बाद फिर से हम वहीं चल जाएंगे। ठीक है, बैटरी एंड डिवाइस केयर पे, तो चलिए हम बैटरी एंड डिवाइस केयर पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख आपको दिखाते हैं कि हम जो भी फ़ोन का रैम बढ़ाए थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 6 GB रैम जो है प्लस हो चुका है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस रैम आ गया है। ठीक है, आ गया यहाँ पे सिर्फ रैम प्लस हो गया 6 GB। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक चीज़ आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाया था तो यहाँ पे 65% यूज था। ठीक है, तो जैसे मैंने रैम बढ़ाया तो यहाँ पे वो जो मेरा यूज था वो घट गया। ठीक है, यहाँ पे 64% हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे 83.7 GB था, यहाँ पे 83.4 GB हो गया आपका। ठीक है, तो यह जो है स्टोरेज से ही घटाता है, तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।